लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। तमाम जो दुकानदार हैं वो सवाल उठा रहे हैं कि हमें दुकान नहीं मिल रही। दुकानदार मेरे पास आए थे, मैंने बोला आपको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है, आप NMMC में टाउन प्लानिंग में लेटर लिख के पूछो या आपके किसी आर्किटेक्ट को पूछो, उसकी फीस मैं दे देता हूँ, दुकान निकल सकता है क्या? जब दुकान निकल ही नहीं सकता है तो उनको दुकान कहाँ से देंगे? बिल्डर के कुछ लोग थे, कुछ आपके लोग थे, उनको जबरदस्ती मारपीट किए। आप तो लोक प्रतिनिधि हैं, इस तरह की घटना आपको ठीक लगती है? लोग ही जिम्मेदार हैं इसके। ये जब गुस्से में आके एक दूसरे से लड़ रहे ना, या आप जैसे लोग बीच में गिर के बोलो आओ मैं दे देता हूँ आपको, आज के आज पेपर ले जाओ अपना एग्रीमेंट, हमको देते नहीं, नहीं देके क्या करना है? रेजिडेंट जो विरोध कर रहे हैं, आप लोगों के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, उनका कहना है कि जो हमें घर दिया जा रहा है उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं दिख रही है कि हमें क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, इसका क्या जवाब है? ट्रांसपेरेंसी सिर्फ इन्हीं लोगों को लगती है, 648 में 3 जनों को, इधर 368 है उसमें 4 जनों को, देखो कोई सोया देगा ना तो मैं उसको उठा लूंगा, सोने का एक्टिंग करेगा उठेगा नहीं। बिल्कुल। कुछ लोग अगर कह रहे हैं कि भाई हमें अगर देना ही है तो आप हमें लिख के दे दीजिए कि आगे दुकानें नहीं बनेंगी और हम अगर बनाएंगे तो हम आपके लिए कंसीडर करेंगे, अभी के अभी लिख के जाने बोलो, ऑलरेडी बोल दिया कि दुकान बनने का प्रोविजन है, हम लोग आगे भी नहीं बढ़ाने वाले। अच्छा। सोसाइटी के लोग दुकान नहीं चाहते अभी। आपने जिक्र किया गुलमोहर का, श्रद्धा को लेकर भी कुछ सवाल ऐसे उठे थे, एकता सोसाइटी को लेकर उठे थे, क्या बेसिक उसका मामला था और कैसे आपने सुलझाया उस? इसको सुलझाने के दो ही मार्ग है, उनके कुछ डिमांड्स होते हैं, या तो वो पूरे करो, चुपचाप पैसे दे दो तो वो अपने अपना बोरिया बिस्तर बांध के चले जाते हैं, दूसरा होता है कि इनको पैसे देने के बजाय सोसाइटी को ही मैं पैसे दूंगा, ये दिमाग में सेट करना और इसको उठा के सीधा कोर्ट ले जाने का। दोस्तों नमस्कार, टीवी वन इंडिया के खास कार्यक्रम फेस टू फेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त जैसा कि आप जानते हैं कि नई मुंबई में रीडेवलपमेंट को लेकर बड़े पैमाने पर काम चल रहा है, हालांकि कुछ सवाल भी ऐसे हैं जो लोगों के बीच में टकराव पैदा कर रहे हैं। इस वक्त स्वयं रीडेवलपमेंट के प्रमोटर किशोर पाटकर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हम आपसे सवाल ये पूछना चाहेंगे सर कि तमाम दिक्कतें थी उसमें कैसे आपने शुरुआत की और अब कहां तक स्टेटस पहुंचा है? लोगों ने सिडकों से मार्केट प्राइस से घर लिया था, तब वो इमिजिएटली लीकेज होना चालू हो गया, प्लास्टर गिरना चालू हो गया, तब उधर के जो पहले शिवसेना के नगर सेवक थे, अतुल कुलकर्णी साहब, दरेकर, चंदुराने साहब, शंपर शेवाड़े, ये सारे लोगों ने मुद्दा सभागृह में, जैसे मैं आज उठा रहा हूँ, उन्होंने बैक टू बैक उठाया और उनकी वजह से तब गवर्नमेंट ने इधर आके स्ट्रक्चर ऑडिट किया। 1997 में स्ट्रक्चर ऑडिट हुआ है, अभी का नहीं है ये। अच्छा। मीरानी समिति, घोसाला समिति, ये सारी समितियों ने करके बोला ये बिल्डिंग बनाते वक्त ही फॉल्ट हुआ है, इसका स्ट्रक्चर फॉल्टी है और ये रहने के लोगों के लायक नहीं है, और ये जिन्होंने बांधा है उस कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर केस करो और सिडको के अधिकारियों से भी पैसा वसूल करो, ऐसा उनका फाइंडिंग से, मेरे पास सारे पेपर पड़े हुए हैं। उसके बाद से ये संघर्ष चालू हो गया, पहले सिडको बांध के दे बोल रहे थे हम लोग, फिर सिडको ने हाथ खड़े कर दिए। ये श्रद्धा कंपाउंड के करीब करीब 57 घर है जिनको इन्होंने जबरदस्ती निकाल के जाके वहां रख के आया, रिपोर्ट किया ट्रांजिट कैंप में, आज भी वो लोग वहीं रह रहे हैं। 2000 में मैं नगर सेवक बन गया, अपक्ष नगर सेवक में जीत के आता यहाँ से, मैं तब से लड़ रहा हूँ, तब से पैसे मांग रहा हूँ या सिडको मांग के दो, इतना संघर्ष, कभी सबका कंसेंट चाहिए, कभी धोखादायक नहीं है, कभी RTA वालों की तकलीफ, पॉलिटिकल तकलीफ तो बहुत हुई, बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल तकलीफ हुई। आखिर एक चीज करते करते भगवान की दया हो गई, एकनाथ शिंदे साहब हमारे ठाणे जिला प्रमुख शिवसेना के, वो UD मिनिस्टर बन गए। मैं जाके सर को बताया, सर ये बहुत सालों के सफरिंग है, क्या करना है? मेरे ना साहब, आप जो अभी UDCPR ला रहे हो उसमें हमको ये चेंजेस करके दीजिए क्योंकि ये काफ़ी कंजेस्टेड एरिया है। बिल्कुल। उन्होंने फिर उस समिति के पास भेजा मुझे और तब जा जाके बिकॉज के महा विकास आघाड़ी का मुख्यमंत्री है, UD मिनिस्टर शिंदे साहब है, फिर भगवान की और आशीर्वाद हो गई, नाटा साहब का प्रमुख मार्गदर्शन मुझे मिलने लगा। Yes. इन सभी लोगों ने मुझे काफ़ी मदद की और इसमें मंदा मात्रे का भी बहुत मुझे मदद हुआ। मंदा काकी ने कोई पार्टी नहीं देखी, कुछ नहीं देखा,
वो भी मेरे को आशीर्वाद देने लगे, किशोर तेरे को कितनी तकलीफ है तो मैं जाऊंगी उद्धव साहब के पास, मैं जाके फडणवीस साहब से करके लाते। उन्होंने काफी सपोर्ट किया, उन्होंने विरोध नहीं किया कभी, ना ही मुझे किया ना ही बिरला। और आखिर जाके ये यूडीसीपीआर फाइनलाइज हुआ 19 में आ गया दिसंबर 2 को, तो मैं सेक्टर 9 में हम लोग करीब करीब 8 से 9 कंपाउंड की सीसी लाने में कामयाब हो गए। और सीसी लाई फिर विरोध चालू। अब इधर दुर्भाग्य ये भी है कि लोग आपस में भी खुद के स्वार्थ के लिए बहुत लड़ते हैं, जाति द्वेष से लड़ते हैं, या पॉलिटिकल ये मेरी पार्टी वो मेरी पार्टी से लड़ते हैं, या किसी कारणवश आपस में बहुत लड़ते हैं ये लोग। जिसका फायदा पॉलिटिशियन उठाते हैं, वो जो विरोध करते हैं उनको पकड़ते हैं, फिर बिल्डर को बोलते हैं ये लोग मेरे साथ हैं, मैं ये सब तुमको खाली करके देता हूँ, अब मेरा क्या। अच्छा, ये जो पहले यूनियन बाजी चलती थी ना, यूनियन लीडर जाके मिल जाता था फैक्ट्रीज के मालिक को, वैसा टाइप का काम है। लोगों को समझना चाहिए, अभी भी 8 महीने से बिल्डर ने करीब करीब इधर 15-18 करोड़ खर्चे करके सीसी लाई है, और 8-8, 9-9 महीना घर खाली होने को लगता है तो कोई रिडेवलपमेंट करने क्यों आएगा, ये बहुत गलत है। और सब निकल जाते हैं चुनिंदा 5-7-8, ये लोग उधर रह जाते हैं। मैं एक एग्जांपल दूंगा गुलमोर की सोसाइटी का। गुलमोर और आशीर्वाद सोसाइटी में लाके कुल 600 लोग हैं, वो बेचारे सब घर छोड़ के चले गए। अब उधर सिर्फ 22 लोग ओनर है, उसमें से भी अभी कुछ जा रहे हैं। 22 लोगों की वजह से गोदरेज कंपनी और वो उनके जो पार्टनर है मिस्टर सारंग, वो इतने डिसेंट और इतने शरीफ लोग हैं, आज उन्होंने हर महीने को 1 करोड़ के हिसाब से भाड़ा उनका जा रहा है, और 5 साल से उन्होंने भाड़ा भरा है। 48 करोड़ रुपया ये 22 जनों की वजह से, इनकी सिर्फ ये जो रोड़ा डाल के बैठे हम नहीं जाएंगे, ईगो है, ये चाहिए वो चाहिए, आज उसका 48 करोड़ रुपया ज्यादा चला गया है। नई मुंबई का कोई भी बिल्डर इतना भाड़ा देके चुप नहीं बैठता, नहीं। कभी का भाड़ा बंद कर देता, बट वो सारंग जी है, वो गोदरेज के लोग है, रेपुटेड कंपनी, हाँ वो दे रहे हैं। आखिर वो भी तंग हो जाएगा एक दिन के कब तक ये करेंगे, और लोग ही जिम्मेदार हैं इसके। आपने आपने जिक्र किया गुलमोहर का, श्रद्धा को लेकर भी कुछ सवाल ऐसे उठे थे, एकता सोसाइटी को लेकर उठे थे, क्या बेसिक उसका मामला था और कैसे आपने सुलझाया उसका, क्या समाधान हुआ उसका? सर, इसको सुलझाने के 2 ही मार्ग है। उनके कुछ डिमांड्स होते हैं, या तो वो पूरे करो, चुपचाप पैसे दे दो तो वो अपना अपना बोरिया बिस्तर बांध के चले जाते हैं। दूसरा होता है कि इनको पैसे देने के बजाय सोसाइटी को ही मैं पैसे दूंगा, ये दिमाग में सेट करना, और इसको उठा के सीधा कोर्ट ले जाने का। C1 बिल्डिंग खाली करने की 3-4 कोर्ट ने खुद ही सुमोटो पीएल कर रखी है, C1 आपको खाली ही करना है। और 1997 में धोखादायक हुई है, मीरानी रिपोर्ट का आप डेट देखोगे, ये मैं धोखादायक नहीं करता हूँ, ये इधर के कुछ टुटपुंजे लोग है ना, इधर के जो इल्जाम लगाते हैं किशोर ने धोखादायक किया, ये सारा गवर्नमेंट ने डिसाइड करके डिक्लेयर किया। J1, J2 आप कितने सालों से सुन रहे हैं, ये झूठे इल्जाम लगाते हैं किशोर इसको मैनेज करता है, क्या खाने का काम है क्या? हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑर्डर दे रहा है कि खाली करो, वही प्रकार सब जगह हो रहा है। सब एक जो सवाल जो रेजिडेंट जो विरोध कर रहे हैं, आप लोगों को पर सवाल उठा रहे हैं, उनका कहना है कि जो हमें घर दिया जा रहा है उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं दिख रही है कि हमें क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, इसका इसका क्या जवाब है, क्या प्रतिक्रिया आपकी? देखो, कोई सोया देगा ना तो मैं उसको उठा लूंगा, सोने का एक्टिंग करेगा उठेगा नहीं। बिल्कुल, ट्रांसपेरेंसी सिर्फ इन्हीं लोगों को लगती है, 648 में 3 जनों को, इधर 368 है उसमें 4 जनों को, इधर के जो रहवासी हैं उनके बच्चे पढ़े लिखे हैं, सारे के सारे वकील हैं, ग्रेजुएट है, डॉक्टर्स है, माँ बाप भले नहीं थे लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया है मेरे सेक्टर के, वो सारे पेपर चेक करके और सोसाइटी के आर्किटेक्ट ने सोसाइटी के वकील ने सारा वेरीफाई करके सर्टिफाई करके दिया है। अब इधर इनको ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं लगती है? क्योंकि इनको ऐसा करने से बिल्डर आके कुछ हमको देगा, कुछ हमको एक्स्ट्रा मिलेगा, जो लालच है और ये जो कर रहे हैं पाप लालच में, उनको एक्स्ट्रा तो मैं तो मिलने नहीं दूंगा। और उनको अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा तो मैं कोर्ट से उनके लिए ऑर्डर लेके आऊंगा कि इन्होंने डिले किया है, इनके भाड़े से और इनके घर से पैसा वसूला जाए। अभी रिसेंटली मामला पैदा हुआ है कैलाश शिखर सोसाइटी का, जिसका आप अभी आप सेक्रेटरी भी हैं, उसमें से तमाम जो दुकानदार हैं वो सवाल उठा रहे हैं कि हमें दुकान नहीं मिल रही है, प्रोविजन किस तरह का है, क्यों ये विरोध पैदा हुआ है? ये जो नया DCR आया है,
इसमें दुकान निकालने का प्रोविजन सिर्फ 30 मीटर के रोड पर है। अच्छा, मैं आपके कैमरा के सामने ही बोल रहा हूँ, दुकानदार मेरे पास आए थे, मैंने बोला आपको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है, आप NMMC में टाउन प्लानिंग में लेटर लिख के पूछो या आपके किसी आर्किटेक्ट को पूछो, उसकी फीस मैं दे देता हूँ, दुकान निकल सकता है क्या? जब दुकान निकल ही नहीं सकता है तो उनको दुकान कहाँ से देंगे। और दूसरी बात, उन्होंने रेसिडेंशियल घर लिया था जिसमें अवैध रूप से उन्होंने दुकान खोल के रखा है 30 साल से, और खुद जैन 4 में रह रहे हैं। अच्छा, कोई जैन 3 में रह रहा है, कोई प्राइवेट अच्छी जगह कोपर खेरना में रह रहा है, वो लोग ये हाल नहीं भुगत रहे, लोग मर रहे हैं तो भी इनको अभी भी पैसा कमाने का सोच रहे हैं, 30 साल से कमा है ना, तो अभी बस करो ना। अब अगर उनका लीगल दुकान होता तो DCR अलाउड करता है। अच्छा, जब वो रेसिडेंशियल प्लॉट है और रोड भी उतना बड़ा नहीं है और इलीगल दुकान के बदले दुकान दो, मतलब क्या बाकी के लोग मरे क्या? ये लोग सबको तकलीफ दे रहे हैं। अभी 648 में से सिर्फ उधर 20-22 लोग रह रहे हैं, 3-4 दिन में वो निकल जाएंगे, उसके बाद NMMC राइट पानी कट कर दी गया। एक उनका और जो आरोप खुला तौर पर था कि बिल्डर से वो मिलना चाहते हैं कि अगर आपको दुकान नहीं देनी तो हमारा एग्रीमेंट कर लीजिए कि आगे दुकान नहीं बनेगी और हम दुकान नहीं लेंगे, लेकिन बिल्डर भी नहीं मिल रहे हैं और आपसे भी उनकी मुलाकात नहीं हो पा रही है, समय क्यों नहीं दे रहे हैं आप लोग बातचीत करने के लिए, या क्या वजह है? मेरे पास तो 4 बार मीटिंग करके गए, इधर इसी रूम में आके बैठ के गए मेरे पास, वो बिल्डर से नहीं मिलना चाहते। अब इसमें थोड़ा समझने वाली बात है, बिल्डर सिर्फ कंफर्मिंग पार्टी है। अच्छा, एग्रीमेंट सोसाइटी और उनका होना है, सोसाइटी शेयर सर्टिफिकेट, सोसाइटी और दुकानदार का होना है, दुकानदार है वो, घर के मालिक रेजिडेंट होना है, रेसिडेंस का होना है। 648 लोगों के 500 रुपए के स्टैम्प पेपर पे उनका एग्रीमेंट इधर पड़ा हुआ है, 1.5 महीना हो गया। वो एग्रीमेंट लेके रजिस्ट्रेशन ऑफिस जाना पड़ता है, जब कोई नई चीज खरीदते हो आप, उधर रजिस्ट्रेशन करके ले लो ना अपने पेपर। अब क्या मैं उनको लेके जाऊँ क्या? क्या दूध पीते बच्चे क्या लोग? और ये सारी चीजें रेरा पे अपलोडेड है, जब CC मिलती है तो कंपल्सन है कि इनको रेरा में अपलोड करना है, प्रिंट आउट लो जाके 600 रुपया सिर्फ स्टैंप ड्यूटी भर दिया बिचारे बिल्डर ने। अच्छा, अब 600 रुपया भर रहे हैं वो भी हम दे रहे हैं, उधर ही अपना अपना आओ लेके जाके रजिस्ट्रेशन करो, रजिस्ट्रेशन किए बिना लेके क्या करेंगे, इधर पड़ा हुआ है सबका पेपर। अब उन लोग पुलिस स्टेशन भी चले गए, वहां उस दिन कुछ मारपीट भी हुई थी, ऐसा आरोप है कि बिल्डर के कुछ लोग थे, कुछ आपके लोग थे, उनको जबरदस्ती मारपीट किए, ये क्या मामला? उन्होंने पॉक्सो का केस भी दर्ज करवा दिया है कि आप तो लोक प्रतिनिधि हैं, इस तरह की घटना आपको ठीक लगती है? उधर जिन्होंने इलीगल दुकानें खोल के रखी है उनको अभी भी लालच लगी कि हमारा थोड़ा लेट करेंगे तो थोड़ा और पैसा कमाएंगे, तो जब सोसाइटी के लोग गए, सारे वीडियो से पुलिस ले गया क्या हमसे वीडियो, उधर रहने वाला एक लड़का इमरान उनके ऊपर ही रहता है, वो ज्यादा उधर के माजी सचिव है, उसकी बीवी, उसकी बेटी, वो इमरान की माँ, उसकी बहन, वो सब उधर है। ऐसे टाइम पे जब इन वो लोग वो लात मार के उन्होंने वो पत्र का काम तोड़ दिया, क्योंकि म्युनिसिपैलिटी ने करने बोला है, 6 नोटिस दिया है। अच्छा, कि आप ये तोड़ो नहीं तो हम तोड़ेंगे और पैसा तुमसे वसूलेंगे। 8 महीना परमिशन आने के बाद भी ये लोग खाली नहीं कर रहे, 8 महीना हो चुका है, 8 महीने से लोग उधर चिढ़ रहे हैं। रीडेवलपमेंट में देरी भी, हाँ देरी हो रही है और गुलमोर वाली हालत हो जाएगी। हाँ, वो जो प्लॉट और जो वो प्रोजेक्ट है वो फिजिबिलिटी निकल जाएगी उसकी। अच्छा, तो खाली करना अनिवार्य हो चुका है अभी। जब वो लोग उसको बोलने गए तो उधर दादागिरी का झगड़ा हो गया, तो उनकी बीवी वकील थी, उनको लगा कि मैं जाऊंगी और कोर्ट में अपनी बच्ची को ले गई और बोला दोनों ने इनके इनके ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट किया है और पॉस्को का केस लगा दिया है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार वो जिनके ऊपर लगाया उनको भी बुला के उनका सुन लो, उनकी बेटी, उनकी बीवी, इमरान की माँ, उसकी बहन उधर खड़ी है, और ऐसे वक्त जब झगड़ा होता है तो किस में ऐसे उत्तेजना वाले भावना आते हैं कि कोई जाके ऐसे लड़की को करेगा, ये सारे वीडियो और जो केस डाला है उसकी इंक्वायरी चल रही है अभी। अभी थोड़े ही जल्दी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, पुलिस आके वीडियोस ले गई सारे कि कहीं दिख रहा है क्या किसी ने उसका शर्ट फाड़ा है या उसने खुद ही फाड़ के जानबूझ के जाके केस डाला है। पुलिस इस बात को इन्वेस्टिगेशन कर रही है और सोसाइटी की तरफ से हमने CP DCP को सबको कंप्लेंट कर दिया है कि इनोसेंट लोगों को जो सिर्फ झगड़े का केस बनता था ज्यादा से ज्यादा ANC का, इन्होंने अपनी बेटी का खुद शर्ट फाड़ के उधर जाके कंप्लेंट की है। ये जब गुस्से में आके एक दूसरे से लड़ रहे हैं ना, या आप जैसे लोग बीच में गिर के बोलो आओ मैं दे देता हूँ आपको आज के आज पेपर, ले जाओ अपना एग्रीमेंट, तो हमको देते नहीं देके क्या करना है? अलॉटमेंट लेटर दे दिया, DA दे दिया, CC की कॉपी दे दी, ड्राइंग दिया, सिडको की NOC दे दी, रेरा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे दिया, ये लेके करेंगे क्या? लेके जाओ अपना अपना, अब उतना तो काम करो। कुछ लोग अगर कह रहे हैं कि भाई हमें अगर देना ही है तो आप हमें लिख के दे दीजिए कि आगे दुकानें नहीं बनेंगी और हम अगर बनाएंगे तो हम आपके लिए कंसीडर करेंगे, ऐसा कुछ है क्या प्रोविजन आपकी नजर में?
अभी के अभी लिख के जाने बोलो, ऑलरेडी बोल दिया कि दुकान बनने का प्रोविजन है, हम लोग आगे भी नहीं बढ़ाने वाले। सोसाइटी के लोग दुकान नहीं चाहते अभी, प्रोविजन तो नहीं है। हाँ। उधर कितना न्यूसेंस हो रहा है उनको। यस। वो दुकान के अंदर से लोग आते हैं जाते हैं, कहीं बाउंड्री नहीं, वो सोसाइटी और इन्होंने उनको चिड़ मचा दी अपने दुकान के आगे, इतना आगे 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 फैला के रखा है सब। हाँ। और सारे कोई भी बाहर के लोग अंदर आ जाते हैं। सोसाइटी जब अभी रिडेवलपमेंट होकर अच्छा बिल्डिंग बनने जाएगा, और दूसरा बात है उसको सोसाइटी के बाउंड्री को लकी बेसमेंट है, वो तो दुकान बनाना पॉसिबल, रैम आएगा ना ऊपर, तो नीचे शॉपिंग कहाँ से आएगी। वो लोगों को अगर प्रोविजन होती ना तो उनका धंधा बंद हो रहा था ना, मैं बना के दे देता, मैं सोसाइटी को मना लेता। लेकिन अभी इन्होंने सोसाइटी के ऊपर केसेस कर दिए अभी, और सोसाइटी है उनको दुकानें चाहिए तो एजेम में पास करना पड़ेगा। हाँ। कि आगे जाके कभी प्रोविजन, इन्होंने सोसाइटी के साथ पंगे कर रखे, मैं कितना संभालूंगा, इतने रोज झगड़ते रहते, काफी डिफिकल्टी है सुधीर जी, इजी नहीं है। सब बड़े बड़े काम हो जाते हैं, इनकी छोटी छोटी जो आपस की तकरार है, दलील है, वो खत्म नहीं होती। आपको लगता है कि इन्हीं सब कारणों की वजह से जो रियल में रीडेवलपमेंट का जो मामला है नोएंबई में, जो आपके माध्यम से चल रहा है, वो उलझा हुआ है और लोगों की मुसीबत जस की तस बनी हुई है? लोग इसके जिम्मेदार खुद है, अपने को घर कितना बड़ा मिल रहा है, लॉफुल है कि नहीं, मेरे को पार्किंग मिल रही कि नहीं, मेरा पेपर ठीक ठाक है कि नहीं, और मेरा मेंटेनेंस कैसे होगा। ये चार पांच चीजों को ही सोचेंगे ना तो रिडल पर बहुत इजी से होगा। अच्छा। शासन उनको 29 मीटर का घर देने बोल रहा है, कारपेट मैंने 45 मीटर का बिल्डर से नेगोशिएट करके दिया है, इससे ज्यादा बिल्डर से क्या बोलो, और किस मुंह से मांगने का, आप बताइए किधर से लेंगे तो किधर कम होता है, तो एक लेवल तक ही कम जाए सर, और जितना डिले होता जाएगा उतना डिफिकल्टी होती जाएगी। इसका नहीं होना चाहिए, ये आजू बाजू में नहीं आना चाहिए, ये हमारे को नहीं चाहिए, इसको ये क्यों, ये मेरे को ऐसा बोला, इस चीज में जाएंगे तो फायदा पॉलिटिशियन ही उठाएंगे और इसका जो खामियाज है वो रहीवासी को ही भुगतना पड़ेगा। हाँ, कॉर्पस फंड कम होता जाएगा जितना डिले होता जाएगा। अभी भी ये काम चल रहा है, अभी भी मुश्किलें पैदा हो रही हैं, अभी भी रोड़े अटकाए जा रहे हैं, तो क्या आप अपील करना चाहेंगे? अब तो मैं कानून से ही चलूंगा, कोई अपील नहीं, खाली करने तो करो, नहीं तो कोर्ट अपना काम खुद करेगी, प्रशासन अपना काम करेगी, और मैं डर के मारे किसी का भी नहीं सुनूंगा, किसी को भी एक रुपया भी ज्यादा मिलने नहीं दूंगा, बिल्डर देगा तो भी मैं देने नहीं दूंगा, जो सब रहवासियों को मिलेगा वही उनको भी मिलेगा। और इन्होंने इलीगल दुकान खोल के जो ये बिल्डर के लोग कर रहे, बिल्डर और हमारा रजिस्टर्ड डीए है, जब तक पूरा प्लॉट क्लियर होके आएगा नहीं, हमको प्लॉट हैंड ओवर करना है, बिल्डर इन्वॉल्व ही नहीं है। उनको लगता है बिल्डर को इन्वॉल्व करने से बिल्डर कुछ देगा, नहीं देगा, जो भी मिलेगा सोसाइटी को मिलेगा, हम कानून से ही लड़ेंगे, और कानून आज की तारीख में पेन इज माइटर देन सॉर्ड। तो जैसा कि आपने सुना कि बहुत सारे पॉइंट्स को किशोर पाटकर साहब ने क्लियर किया कि भाई उनकी क्या धारणा है और किस तरह से वो रेजिडेंट हैं या जो दुकानदार हैं उनको कैसे वो बेनिफिट देना चाहते हैं। कैमरामैन रविचंद के साथ मैं सुधीर शर्मा, टीवी वन इंडिया, नई मुंबई।